आज के इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स का आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ बेसिक टर्म्स को ही डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में से क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है फिजिक्स के जिस ब्रांच में आता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स के जिस ब्रांच में आता है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले वो ये जान लें कि काइनेमेटिक्स में हम लोग किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, जो किस चीज को स्टडी कराता है, तो बोलते हैं कि भाई काइनेमेटिक्स ये मैकेनिक्स का वो ब्रांच है विच डील्स द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक और ब्रांच होता है मैकेनिक्स का जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, तो इस डायनेमिक्स में भी हम लोग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं डायनेमिक्स में भी। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ये काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो मोशन के कॉज को कंसिडर नहीं करते हैं, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो मोशन के कारण को बिना कंसिडर किए हम लोग जिसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के उस ब्रांच को, मैकेनिक्स के उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। जबकि डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, इसमें कॉज के मोशन के कॉज को कंसिडर किया जाता है, विथ कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, डायनेमिक्स में। यही दो बेसिक डिफरेंस होता है किस किसके बीच, तो काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग जो शुरू करने वाले ये है हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन, किसमें हम लोग किस अंडर पढ़ेंगे, तो इस काइनेमेटिक्स के अंडर पढ़ेंगे। मतलब इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को तो पढ़ेंगे लेकिन मोशन के कॉज को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म मोशन को जाने, ये भी बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा। ठीक है, तो मोशन को पढ़ने के पहले जो हम लोग जानना पड़ता है कि रेस्ट क्या होता है। ये मोशन काफ़ी बेसिक टर्म है जिसको आप लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसके पहले हम लोग पढ़ते थे एक टर्म रेस्ट। तो हम लोग कब एक ऑब्जेक्ट और फिर हम लोग पढ़ते थे रेस्ट, सॉरी मोशन। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स, ये दोनों दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रेस्ट में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन को चेंज नहीं कर रहता है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, समय बीत रहा है लेकिन अपने सराउंडिंग के पोजिशन के, अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में वो अपना पोजिशन को नहीं बदल रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जबकि मोशन का जस्ट उल्टा होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी चीजों को अभी हम लोग पढ़ेंगे, लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग कई बार काइनेमेटिक्स को पढ़ते हुए इस टर्म को यूज करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हमेशा नॉर्मली तो आपके दिमाग में यही इमेज आ रहा होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, तो काफी छोटा सा ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का सही डिफिनेशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट का सही मीनिंग नहीं होता है।
तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, और मूव करते हुए वो अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में, ठीक है, जो वो अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में, अपने ऑन साइज के कंपैरिजन में, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए अपने साइज के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है, ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कि किसी रीजनेबल ड्यूरेशन में, किसी दिए हुए टाइम में अपने डायमेंशन, अपने साइज के कंपेरिजन में, इसका जो साइज है इसके कंपेरिजन में वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अर्थ तो छोटा ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, लेकिन हम लोग अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सन के अराउंड उसके मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, अर्थ को भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं कब, जब हम लोग सन के अराउंड अर्थ के मोशन को स्टडी करते हैं, तो अर्थ को भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड जो अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ जो जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है वो उसके साइज के कंपेरिजन में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ट्रेन ये भी काफी बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये किसी जर्नी में जो थाउजेंड्स किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी हमारा क्या है, मोशन इन वन टू एंड थ्री डायमेंशन, मोशन इन वन टू एंड थ्री डायमेंशन, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, फिर मोशन इन टू डायमेंशन, फिर मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो हम लोग कब बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो वन डायमेंशन है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो तीन कोऑर्डिनेट्स होता है, थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या क्या, अभी तो बेसिकली आप लोग दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते आए होंगे। ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इन्हीं दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप लोग यूज करते आए होंगे। लेकिन यहां पे आके आप लोगों को जानना कि कोऑर्डिनेट्स तीन होता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो जब इन तीन कोऑर्डिनेट्स में से केवल मोशन के ड्यूरेशन में, मोशन के दौरान, ड्यूरिंग मोशन, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बदलता है, चाहे वो x बदले, चाहे वो y बदले, चाहे वो z बदले, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। व्हेन ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन, वी कैन से दैट द मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि जब भी कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक में मूव कर रहा होता है, या कोई व्हीकल स्ट्रेट रोड में मूव कर रहा होता है, तो उसका एक ही डायमेंशन बदलता है, एक ही कोऑर्डिनेट बदलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। या मान लीजिए किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, ऐसे में सिर्फ इसका वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी तीन में से एक ही कोऑर्डिनेट बदलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और उसका तीन में से कोई दो कोऑर्डिनेट बदले, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो एक्स जेड, ये तीन में से कोई दो कोऑर्डिनेट बदले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव कर रहा होता है, किसी भी प्लेन में मूव कर रहा होता है, तो प्लेन में मूव करते हुए क्या होता है, उसका दो डायमेंशन बदलता है, ठीक है। जैसे कि जब कोई कार लेवल रोड में ही मूव कर रहा है लेकिन जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, इसका दो डायमेंशन बदल रहा है, ठीक है। प्लैनेट्स का मोशन सन के अराउंड जब मूव करता है वो, तो भी इसका दो दो डायमेंशन बदलता है। लेकिन ऑब्वियसली थ्री डायमेंशनल मोशन का आप लोग इसी के अकॉर्डिंग इजी वे में आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन इन थ्री डायमेंशन क्या होता है।
तो मोशन इन थ्री डायमेंशन होता है कि वेन ऑल द कोऑर्डिनेट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारा कोऑर्डिनेट जब बदलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन थ्री डायमेंशन। जैसे कि हम लोग पतंग को उड़ाते हैं आंधी तूफान आंधी के या हवा विंडी डेज में, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो स्पेस में मूव कर रहा होता है और उसमें उसको उड़ते हुए उसका तीनों डायमेंशन बदलता है, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट बदलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन। काफी आसान सा चीज था, यदि तीन में से एक कोऑर्डिनेट बदलेगा तो उसको हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन बोलेंगे, दो बदलेगा तो मोशन इन टू डायमेंशन बदलेंगे, और तीनों बदलेगा तो मोशन इन थ्री डायमेंशन।